तो भाइयों ये वाली जो विधि है ये उन किसान भाइयों के लिए कामयाब है जिनके पास एमबी प्लाव तो है पर रिवर्सेबल एमबी प्लाव नहीं है और उन्हें ज़्यादा खेत अपना ऊंचा नीचा नहीं करना। चलिए नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। दोस्तों आज आपको जो टेक्निकल परफॉर्मेंस दोनों चीज़ दिखाएंगे। एक तो हमारा ट्रैक्टर है 7250 मैसी। दोस्तों घी खाओ देसी और ट्रैक्टर चलाओ मैसी वाली कहावत है भाइयों, और इसकी हाइड्रोलिक में ये ट्रैक्टर माना हुआ ट्रैक्टर है दोस्तों, बिल्कुल भी झटका नहीं होता इसमें। और भाइयों अगर आपके पास रिवर्सेबल एमबी प्लाव नहीं है तो उसका हल ये है कि जैसे खेत ऊंचा नीचा होने से आप बचाना चाहते हैं तो दोस्तों स्पेशल वीडियो बनने वाली है जिन भाइयों के पास एमबी प्लाव है, रिवर्सेबल एमबी प्लाव नहीं है तो भाइयों उसकी टेक्निक पूरी इस वीडियो में दिखाएंगे कि भाई कैसे चलाना चाहिए जिससे कि हमारा खेत ऊंचा नीचा ना हो। तो भाइयों वीडियो में बने रहना, पूरी बढ़िया हम लोग आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो तो भाइयों कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हवा जो है 12 पाउंड से ट्रैक्टर के पिछले टायरों में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कोई भी ट्रैक्टर हो स्पीड बहुत ही मेंटेन करके रखनी है अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर पर मैं 1500 RPM रख रहा हूँ और तीसरे किलो गियर। दोस्तों अगर स्पीड को बहुत ज़्यादा घटा देंगे तो एमबी प्लाव जो है पलटा नहीं मारेगा मिट्टी को, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो भाइयों पूरी गहराई नहीं ले पाएगा। तो स्पीड का भी इसमें भाइयों मैटर है, तो आप लोग आगे का वीडियो देखना दोस्तों। बिल्कुल खेत ऊंचा नीचा नहीं होगा, अभी सिर्फ एक बीच का जो साइड ऊंची नीची होगी, तो पूरा जब हमारा ये खेत हो जाएगा तो तब भी हम आपको आगे का वीडियो बना के
तो भाइयों यहाँ पे बता दूं मैं कि यहाँ पे हमारे पूरी फूली ये डहर है, पूरी काली मिट्टी है एकदम, पूरी सख्त जिसे कहते हैं। तो भाइयों थोड़ा एमबी पुलाव के बारे में बता दूं कि ये जो एमबी पुलाव है दरअसल ये पक्की ज़मीन में केल का ही इम्प्लीमेंट है दोस्तों। जो भूमि रेतीली होती है वहाँ पे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। कुछ मेरे भाई जो किसान भाई हैं एमबी पुलाव चला लेते हैं दोस्तों, जो कि थोड़ी रेते वाली ज़मीनें होती हैं, तो वो नीचे से पलट करके दोस्तों जो उन्होंने थोड़ी बहुत 6 इंच 7 इंच ज़मीन उपजाऊ कर रखी होती है देसी खाद वगैरह डाल के, तो वो मिट्टी तो नीचे चली जाती है और जो भाई वो रेतीली मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, वहाँ पे अच्छा नहीं रहता दोस्तों, इसका उल्टा नुकसान हो जाता है। लेकिन भाइयों जहाँ डाकर ज़मीन है, पूरी पक्की धरती है, काली मिट्टी है और पानी वगैरह रुकने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो दोस्तों वहाँ पे 2 साल में एक बार इसको फिरा देना चाहिए। थोड़ा धरती पलट जाती है दोस्तों और नीचे से नई मिट्टी निकली आती है, एक किस्म से लेंटर टूट जाता है। तो सब सोलर वगैरह भी चल रहे हैं, ये देखो दोस्तों, ये जो अपने मित्र पक्षी कह लीजिए, किसान के मित्र पक्षी हैं ये, बुगला बोल देते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे इसे, तो जो धरती के कीट हैं उनको खा रहे हैं ये। तो देखो भाइयों ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा, सिर्फ ये बीच में एक लाइन ऊंची हुई है और बाकी सारा खेत आपका समतल रहेगा। तो भाइयों हमारी ये टेक्निक और परफॉर्मेंस आपको ट्रैक्टर की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये देखो भाइयों एकदम कंच जैसी मिट्टी निकल रही है नीचे से, बहुत ही ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, बिल्कुल सख्त मिट्टी है ये, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट दोस्तों ज़रूरी हो जाता है 1-2 साल बाद चलाना। तो भाइयों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो, और भाइयों अगर नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। और चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।